नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का उपवास खत्म, नारेबाजी के साथ आंदोलन की समाप्ति। पुलिस ने किया इनोवा लूट का खुलासा, सरगना सहित तीन लुटेरे गिरफ्तार। थम नहीं रहा है चोरियों का सिलसिला, थाना प्रभारियों की अदला बदली। जल उपयोगिता संघ के चुनाव परिणाम घोषित, लालचंद सहारन बने अध्यक्ष। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का उपवास खत्म हो गया। 48 घंटे पूरा होते ही उन्होंने उपवास खत्म करने की घोषणा की। एक बालिका ने जूस पिलाकर उपवास खत्म करवाया। इस मौके पर समर्थकों ने पूर्व मंत्री के समर्थन में नारे भी लगाए। बीत गए 48 घंटे, खत्म हुआ उपवास। कलेक्ट्रेट के सामने 48 घंटे के उपवास पर बैठे पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने गाजर का जूस पीकर उपवास तोड़ने की घोषणा की। एक बालिका ने राम प्रताप सहित रिटायर्ड नायब तहसीलदार जयसिंह बेनीवाल का उपवास खत्म करवाया। आपको बता दें कि सुरेसिया में एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना में पुलिस प्रशासन की कथित संदिग्ध भूमिका से खफा होकर भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने निर्धारित समय के लिए उपवास पर बैठ गए थे। हालांकि उनके उपवास शुरू करने से पहले ही पुलिस ने आरोपी सुनील नाई को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पूर्व मंत्री का कहना था कि इस गंभीर मामले में पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। पुलिस को जगाने और उसे जिम्मेदारी का एहसास करवाने के लिए उन्होंने उपवास पर बैठने का निर्णय किया था। उपवास तोड़ने के बाद जो ही डॉक्टर राम प्रताप खड़े हुए, कुछ समर्थकों ने उनके पक्ष में नारेबाजी भी की। तुम्हारे साथ डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद। जंक्शन पुलिस ने इनोवा लूट के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। इसके तहत वाहन चोर गिरोह के सरगना गुरमीत सिंह उर्फ काला सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना है कि आरोपी बदनाम किस्म के हैं और उन पर पहले भी कुछ मामले दर्ज हैं। 12 मार्च को जाखरावाली के पास कुछ लोग इनोवा लूट कर ले गए थे। पुलिस को इनोवा के लुटेरों की सरगर्मी से तलाश थी। पुलिस अधिकारी ने सब इंस्पेक्टर बूटा सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी। बूटा सिंह ने इसके लिए योजना बनाई। इसके लिए अलग अलग पुलिस थानों से कुछ पुलिस कर्मियों को टीम में शामिल किया गया। इसके तहत कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कंवलजीत सिंह, बलतेज सिंह, रविंद्र सिंह और महेश कुमार आदि ने बूटा सिंह द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल का मुआयना करते हुए जांच की दिशा पटरी पर आ गई। बूटा सिंह को शुरू से ही कर्नेल सिंह नामक व्यक्ति पर शक था। पूछताछ में सब कुछ सामने आ गया। कर्नेल सिंह ने माना कि इसके लिए एक गिरोह चल रहा है जिसका सरगना है गुरमीत सिंह उर्फ काला, जो रामा मंडी पंजाब का रहने वाला है। इस वारदात को अंजाम देने में कारी खां और राजा सिंह ने भी सहयोग किया। पुलिस ने गुरमीत सिंह उर्फ काला, कारी खां और कर्नेल सिंह सहित इनोवा को गिरफ्त में ले लिया, लेकिन राजा सिंह अब भी फरार है। इसकी तलाश जारी है। सब इंस्पेक्टर बूटा सिंह के मुताबिक आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं तथा विभिन्न पुलिस थानों में उनके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। टीम गठित कर सभी ने मिलकर गंभीरता से पूछताछ की तो इसी टेम्पो टाटा के खलासी कर्नेल सिंह पर शक हुआ, जो पहले भी चोरी के केस में पंजाब में पकड़े गए था। 20-21 दिन मुक्तसर जेल में रहा था। इससे गंभीरता से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि रामा मंडी जिला बठिंडा में रेलवे स्टेशन होटल के सामने करीब 10 दिन पहले इनकी एक इकट्ठे हुए थे। वहां पर खुलासे कर्नैल सिंह ने बताया कि मेरे टेम्पो मालक के पास करीब 1 लाख रुपए होता है। हम राजस्थान में तेल इकट्ठा करते हैं, सरसा में बेचते हैं। इस प्लानिंग के दौरान उन्होंने टाइम तय कर लिया। कर्नैल सिंह ने जरिए टेलीफोन उनको सूचना दी कि आज हम राजस्थान में टेलीफोन तेल इकट्ठा करने जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर वह तीनों जवान नोवा गाड़ी लेकर रावसर लखुवाला से इनके पीछे लग गए। जैसे ही इनका टाटा टेम्पो जाखड़ावाली रोड की तरफ चला तो पीछे से गाड़ी लगाकर क्रॉस कर गाड़ी रोक ली। जबरदस्ती टेम्पो में मालक को नोवा गाड़ी में बिठा लिया और उसकी जेब से 62,000 रुपये और कागजात
वह टेम्पो टाटा की चाबी छीनकर पीलीमांगा की तरफ भाग गए। चोरों का हौसला बुलंद देखिए कि वे भीड़भाड़ वाले और वीआईपी क्षेत्रों को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते। एक ही दिन में थोड़े अंतराल के दौरान शहर में दो स्थानों पर हुई चोरी की वारदातों ने पुलिस को सकते में डाल दिया। लिहाजा एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने उच्चाधिकारियों से चर्चा के बाद एक फार्मूला निकाला कि एक बारगी जंक्शन और टाउन थाना प्रभारियों की क्यों ना अदला बदली कर दी जाए। एक बार फिर पुलिस ने टाउन और जंक्शन थाना प्रभारियों की अदला बदली के फार्मूले को लागू किया। इसके तहत टाउन थाना प्रभारी संजय बोथरा को जंक्शन और जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी को टाउन पुलिस थाने का इंचार्ज बनाया गया। दोनों ने परस्पर थानों में बतौर इंचार्ज कमान भी संभाल ली। मौजूदा परिस्थितियों में चुनौती जंक्शन थाना प्रभारी संजय बोथरा को मिली है। उन्हें उन तमाम अपराधों को बेपर्दा करना होगा जिन्हें राजफाश करना जरूरी है। जंक्शन में चोरों के हौसले बुलंद हैं। कुछ दिनों के दौरान रह रह कर चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार दोपहर ढिलो कॉलोनी के एक मकान में चोरी के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए भी नहीं थे कि शाम के वक्त सूचना मिली कि चोरों ने जिला कलेक्टर के आवास के सामने एक मकान को निशाना बना लिया। वो घर भी एक रिटायर्ड एएसपी का है। सूचना पाकर पुलिस उच्चाधिकारियों के माथे पर बेचैनी के भाव नजर आए। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और खोजी कुत्ते का सहयोग लेने की बात कही। आनंद फानंद थाना प्रभारियों को बदलने तक का निर्णय लिया गया। रिटायर्ड एडिशनल एसपी जोगेंद्र सिंह के मुताबिक लाखों के सामान सहित करीब 35,000 रुपये नकदी चोरी का अनुमान है। और शाम को 6 बजे आए तो मेन गेट तो दरवाजा बंद था, ताला खुला अंदर दिखा तो अंदर वाला जो मेन गेट था उसका आटा टूट गई थी, तो यू का जो था आगे देखा सारे घर का सामान बिखरा हुआ था। तो उसके बाद हमने सस्ते और सामान संभाला तो 20 तोले के आसपास का सोना और 30-35 तोले सब चांदी और 25-30 हज़ार रुपये के अंदाजा था कि हमारा इतना सब चोरी हो गया। चार अलमारियाँ तोड़ के ले गए, बाहर लकड़ी की तारियाँ मारी तो ये सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। पुलिस को इतला गई, FIR दर्ज करवाई, कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस अपने सब प्रयत्न कर रही है। अब देखो कितनी सफलता मिलती है। वहीं ASI हीरालाल के मुताबिक पुलिस जांच में जुटी है, शीघ्र ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। भाखड़ा नहर परियोजना के तहत जल उपयोगिता संघ के चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं। इनमें श्रीनगर माइनर के BK17 में इंजीनियर लालचंद सहारन को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। भाखड़ा नहर परियोजना के तहत जल उपयोगिता संघ के चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं। इसके तहत श्रीनगर माइनर जल उपयोगिता संघ अध्यक्ष पद पर इंजीनियर लालचंद सहारन को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके अलावा पूर्व सरपंच करणी सिंह राठौर, श्रवण सिंह राठौर, सुखदेव सिंह, सरबजीत सिंह, जंगा सिंह संधु, जगदेव सिंह, केवल सिंह, अवतार सिंह, जगतार सिंह व जगजीत सिंह को सदस्य चुना गया। कि जल उपभोक्ता प्रबंध समिति के श्रीनगर माइनर के जो है वो चुनाव आज संपन्न हुए हैं और समस्त मतदाताओं ने, समस्त काश्तकारों ने मिलकर के और सर्वसम्मति से ये निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके अंदर 6 मेंबर प्रत्येक चक्का एक एक मेंबर और एक उनके ऊपर अपनी नहर का अध्यक्ष उन्होंने चुना। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध हैं। डीजे वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलेक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियां जो AC, LCDs और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे।
जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भाखरा सिंचाई प्रणाली की रोरा वाली माइनर से संबंधित जल उपयोगिता संघ के अध्यक्ष पद पर पूर्व सरपंच नूर नबी भाटी को निर्विरोध चुन लिया गया। समर्थकों ने भाटी के निर्वाचन पर खुशियां जताई। रोरावाली में रविवार को उत्सव का माहौल था। पूर्व सरपंच नूर नबी भाटी के समर्थक खुशियां मना रहे थे। भाखरा सिंचाई प्रणाली की रोरावाली माइनर से संबंधित जल उपयोगिता संघ के अध्यक्ष पद पर भाटी के निर्वाचन की सूचना मिलते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। समिति में साजन राम, लाभ सिंह, बलकार सिंह, गोपी राम, राधे राम और बिहारी लाल को बतौर सदस्य चुना गया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित अग्रसेन भवन में ध्यान एवं मनोयोग साधना शिविर लगाया जा रहा है। इसमें चैतन्य गुरुजी ने कहा कि आज हम धन के लिए समय निकाल रहे हैं, लेकिन बेशकीमती तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास नहीं करते, यह उचित नहीं है। 9 दिवसीय शिविर का उद्घाटन ASP दिलीप जाखड़ ने किया। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, आज धारा इसके विपरीत चल रही है। हम धन को प्राथमिकता देने लगे, इसके लिए न खाने की फिक्र, न सोने और आराम करने की। नतीजतन हम बीमार होने लगे, बीमारियां भी ऐसी कि शरीर को निचोड़ लेती हैं। डॉक्टरों के पास जाकर दर्द से छुटकारा पाने की जुगत भी कारगर नहीं। ऐसे में सबका इलाज है ध्यान एवं मनोयोग साधना के माध्यम से। चैतन्य गुरुजी ने महाराज अग्रसेन भवन में आयोजित शिविर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि धन अर्जित करने के साथ हमें अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। 9 दिवसीय शिविर में अग्रोहा विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष रतनलाल नागौरी, प्रवक्ता मोतीलाल वर्मा, नरेंद्र गुप्ता, विमला भटेजा व प्रगतिशील किसान कृष्ण जाखड़ आदि भी मौजूद थे। खास बात यह है कि शिविर का उद्घाटन एडिशनल SP दिलीप जाखड़ ने किया। तो आज ये कार्यक्रम हमारा जिंदगी में प्रैक्टिकली उतारने का काम है और जिसके माध्यम से यहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे जो बीमारियां, छोटे से छोटे बीमारी से लेकर बड़े से बीमारी भी दूर होगा। जैसे पहला फायदा ये होगा, हमारे पास में जितनी भी बीमारियां हैं आप गिनती करते रहो, जो भी बीमारी आप नाम लोगे और वो यहां पर निदान हो सकता है। तो जैसे मोटापा, जो आजकल हम सबसे इस मोटापा से परेशान है, तो यहां पर अगर आप सिंसियरली जो गुरुजी बातें कह रहे हैं और करवाते क्रियाएं और आप इस तरह अगला इतवार तक, मतलब 24 तारीख तक करेंगे, तो आपको मिनिमम 5 किलो घटने का, डॉक्टर जांच कराते हैं तो नील रिपोर्ट आता है लेकिन मरीज परेशान है, तो ऐसे जो बीमारियां है यहां पर निदान होगा। हनुमानगढ़ टाउन स्थित जाकिर हुसैन पार्क का जीर्णोद्धार करवाया गया है। इस पर करीब 5.5 लाख रुपए खर्च करवाए गए हैं। सभापति सुरेंद्र कौर, भाजपा नेता दसपाल सिंह और आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने पार्क का लोकार्पण किया। आखिरकार जाकिर हुसैन पार्क की बदहाली दूर हो गई। नगर परिषद ने इसकी सुध लेते हुए पार्क के सौंदर्यकरण पर करीब 5.86 लाख रुपये खर्च किया है। रविवार को सभापति सुरेंद्र कौर, आयुक्त श्रवण बिश्नोई, भाजपा नेता जसपाल सिंह, निर्माण समिति के अध्यक्ष उमाशंकर अरुण, AN राजेंद्र स्वामी और पार्षद मोनिका मित्तल ने पार्क का औपचारिक लोकार्पण किया। श्रवण कुमार बिश्नोई के मुताबिक पार्क के सौंदर्यकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये जाकिर हुसैन पार्क का भी रिनोवेशन किया गया है, करीब 5,66,000 रुपये इसमें लगे। कुछ काम थोड़ा और होना है, गार्डनिंग का है और फ्लोर वगैरह लगाने वो है, और इसके अलावा भी यहाँ आज कुछ लोगों ने ये
टंकी के पास नई मंडी में कोई सड़क निर्माण का और पुलिया निर्माण का बोला, उसका जल्दी टेंडर लगा के उसका भी समाधान करेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। चेटीचंद महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 91 उत्सव को लेकर समाज के लोगों में उत्साह है। टाउन में समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से युवा सिंधी सेवा संघ का गठन किया और कार्यकारिणी की घोषणा की। हनुमानगढ़ में हर साल की तरह इस बार भी चेटीचंद महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। रविवार को टाउन में युवा सिंधी सेवा संघ का भी गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से आशीष बजाज को अध्यक्ष, देवेंद्र काकवानी को उपाध्यक्ष, पुरुषोत्तम कुरैसिय को सचिव, बबलू जगवानी को सचिव, सुनील गंगुजा को महासचिव, शोभराज को महामंत्री, अशोक गांधी को मेला प्रभारी और सेवक बजाज को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया है कि इस बार चेटीचंद का महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा तथा इसमें युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। से ज़्यादा युवाओं को ये बात कहूँगा, अपना जो उद्देश्य है, एक तो सबसे ज़्यादा समाज को युवाओं से सबसे ज़्यादा जोड़ना, सदस्य बनाना, ताकि युवा सबसे आगे उभर कर आएँ, अपने समाज की बागडोर संभालें। और जहाँ भी जो आज की जो बैठक रखी गई है वो चेटीचंद के उत्सव में रखी गई है। मैं ये कहूँगा कि चेटीचंद का जो 51 उत्सव जो आ रहा है, वो सभी युवा अपनी कमान संभाल कर और समाज में एक ऐसी शिक्षा दें और मेले का समापन जो समारोह पूरा है जो इतना अच्छा करें, ताकि पूरे समाज के अंदर, देश के अंदर ये सूचना जा सकते है कि युवा अब जाग चुका है और अब अपनी युवा अपनी कमान संभाल ले। नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर अपने पति जसपाल सिंह और आयुक्त श्रवण बिश्नोई के साथ रविवार को वार्डों का दौरा करने निकली। उन्होंने समस्याओं को देखा और शीघ्र निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। सड़कों पर बिखरी हुई गंदगी और पसरा हुआ गंदा पानी, स्थिति ऐसी कि सड़क पर पैर रखने की इच्छा ना हो, यह नजारा है वार्ड नंबर 22 का। दरअसल वार्ड की यह बदहाली एक दिन में नहीं हुई बल्कि वर्षों से यही हालात हैं। रविवार को नगर परिषद के सभापति सुरेंद्र कौर, भाजपा नेता जसपाल सिंह, आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई आदि ने वार्ड का दौरा किया तो नागरिकों की पीड़ा जैसे छलक आई। खासकर महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि नेताओं पर उनका भरोसा नहीं, वे तो वोटों की राजनीति करते हैं। भाजपा नेता जसपाल सिंह ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिलाया, लेकिन उषा नामक महिला ने कुछ ही क्षण में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। समस्या यही है, नाली की पानी की गंदा पानी आता है बहुत हमारे, और बहुत जने आए हैं, हमको सबको देके आए हैं, कलेक्टर को भी देके आए हैं, नगर पालिका में जाके आए हैं, चेयरमैन के पास भी जाके आए हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम तो गंदा पानी पीते, ये नाली वाला कोई छड़के नहीं है, कुछ नहीं है, हम गंदे में 40 साल हो गए हमारे को रहते, यहाँ पर गंदगी पर रहते हम, और गंदी बोट रहने आते हैं, बोट लेके चले जाते हैं, हमारे को झांसा दे जाते हैं, झूठा झांसा देते हैं, हम ये करवाएंगे ये करवाएंगे, हम गंदे पानी में बैठे हैं और गंदे गंदगी में बैठे हैं, बीमारी हो, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई अफसर आ रहे हैं, अब चेयरमैन आ जा रहा था, पहले चेयरमैन घर गया था, देखने आया था चेयरमैन, कहता हम करवाएंगे, कोई नहीं करवाता यहाँ पर, तो यहाँ पर बोट लेके चले जाते हैं। जंक्शन स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में 6 अप्रैल को बाबा बालकनाथ का जन्मदिवस मनाया जाएगा। जन्मदिवस की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ताओं ने बताया कि 6 अप्रैल को विशाल जागरण होगा। जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी में स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में भंडारा लगाया गया।
अमावस्या के बाद आने वाले हर रविवार को मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाया जाता है। आज सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में आकर बाबा बालकनाथ का आशीर्वाद लिया व भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। इतवार को भंडारा लगता है, अभी चैत माह चल रहा है, इसके जितने भी रविवार आएंगे सभी को भंडारा रहेगा। 6 अप्रैल को बाबा जी का जागरण है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस भंडारे में जन सहयोग है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।